मेहरमा वे मेहरमा तेरे इश्क ने गुमराह किया। हंसी एकदम से गायब कहाँ हो गई? कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां आरजी होती है। सर आप बहुत तेज राइड नहीं कर रहे? क्यों, तुम तेज गाड़ी पसंद नहीं? नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। खुदा ना खास एक्सीडेंट हो गया तो? मम्मा आप पापा से बात क्यों नहीं करती हैं? मैं क्या बात करूं? वो आजकल कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है। अगर पापा को ये लगा कि मैं आलियान को पसंद करती हूं, उन्होंने पप्पू को हाँ कह दी तो क्या होगा? वो हाँ कर चुके हैं। क्या? मम्मा पापा को एक बार तो ये बात बता दे, मैं आलियान से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, फिर मैं सरमद से नहीं पहले आपा से बात करती हूँ। नहीं मम्मा, पापा माइंड कर जाएंगे अगर उन्हें पप्पू की जबानी ये बात पता चली तो। वो नहीं माइंड करते, ये वो सरमद नहीं रहे जिन्हें हमारी छोटी सी छोटी बात परेशान कर देती थी। पता नहीं किन हवाओं में, कुछ भी हो जाए उन्हें परवाह नहीं हमारी। मामा मैंने ना पापा की गाड़ी मॉल की तरफ देखी थी तो गाड़ी में उनके साथ कोई लड़की बैठी हुई थी। मैंने देखा नहीं कौन थी। पता नहीं, मैंने उन्हें फॉलो करने की कोशिश भी की थी लेकिन सिग्नल पे मेरी गाड़ी रुक गई और वो आगे निकल गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से बाहर गई? अब घर से बाहर ही रहो, घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अब्बू जी ये घर थोड़ा सा मेरा भी है। नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है, दफा जाओ यहां से, जाओ। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? क्या हिमाकत करके आए हो तुम आज? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? उस लड़की ने मुझे भटका दिया है। लड़की? लड़की कहां से आ गई? हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई तो आता है ना। कोई बेवकूफी होगी जो तुम जैसे नाकारा आदमी की जिंदगी में आई होगी। बेवकूफ नहीं हूं, बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। बेटिया खुदा की रहमत होती है मास्टर साहब, इस रहमत से ना मुंह मोड़ा जाता है और ना इन्हें घर से निकाला जाता है। और ये दर्श देते बेटी, मैंने भी आपको कई बार सुना है अब्बू जी। फरमा बरदार बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। ना फरमानी मैंने भी कोई नहीं की। तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया नहीं था कि तुम्हारा घर से निकलना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है? अगर मैं आपका बेटा होती तब भी आप ऐसा ही सोचते? तब भी मेरा घर में इस तरह बेकार बैठे रहना आपको अच्छा लगता? बेटों का घर में बैठना और बेटियों का घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं होती। बेटियां क्या चूल्हे में झोंक देने के लिए पैदा होती हैं? आपने मुझे तालीम क्यों दिलवाई कि मैं सालन में मिर्च और मसाले का तवाजुन कायम रख सकूं?
गोल गोल रोटियां बनाऊं, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में। ये सबक आपने क्यों पढ़ाए मुझे अब्बू जी, क्यों पढ़ाए समझाइए मुझे। औरत घर की जीनत और बच्चों के लिए उनकी दर्सगाह होती है, इसलिए औरत का तालीम हासिल करना बहुत जरूरी। दर्सगाह को कुएं का मेंढक मत बनाइए अब्बू जी, मेरी जॉब हो गई है। मैं आपका एतबार कभी नहीं तोड़ूंगी, आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। वाह मास्टर साहब वाह, अपनी जवान बेटी को खुद ही अपने घर से निकाल रहे थे आप, बहुत खूब। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि इसको बाद में संभालोगे कैसे? लालच ने आंखों के साथ साथ दिमाग भी बंद कर दिया। लालच? तंग आ गया था आपके रोज रोज के ताने सुनकर। किसी अमीर लड़की के साथ शादी करके अमीर होना चाहता था। अमीर लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होती, इसीलिए तो अपने अमीर होने का झूठ बोला उसे। सच बताकर माफी मांगो उससे। यही तो परेशानी है कि अगर मैंने उसको असलियत बता दी तो मुझसे रूठ जाएगी। तो रूठ जाने दो, मोहब्बत करने लगा उससे। मोहब्बत? एक और फजूल काम शुरू कर दिया तुमने। ना तो मोहब्बत फजूल होती है और ना ही मेरा आर्टिस्ट होना बेकार है। जब पेट में रोटी ना हो ना तो सारे काम फजूल होते हैं। वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। जब तुम्हारा झूठ उस पे खुलेगा ना तो लग पता जाएगा कि कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। प्लीज मुझे मजीद परेशान मत कीजिए और मुझे कोई मशवरा दीजिए कि किस तरह वो मेरी असलियत भी जान ले और उससे शादी भी कर ले। एक झूठे और नाकारा बेटे को क्या मशवरा दे माँ? थैंक्स। आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, लगता है उसने इजहार मोहब्बत कर दिया। आज उसको मैंने उसकी पसंद का तोहफा खरीद के दिया। और जनाब कैसा फील कर रहे हैं? हाय, वो खुशी जो दुनिया भर की दौलत समेट लेने से भी हासिल नहीं होती। यानी दौलत सिर्फ सहूलत देती है, खुशी नहीं। यार काश जिंदगी में रिवाइंड का बटन होता। क्यों? वापस लौट जाना चाहता है? सिर्फ मोहब्बत ही ये मौजज़ा दिखा सकती है, लेकिन महबूबा को बीवी बनाने की गलती बिल्कुल ना करना। अगर वो किसी और से शादी कर ले तो? अगर ये मजबूरी ना हो तो महबूबा को बीवी बनाने की हिमाकत कौन करता है? हाँ, बात तो ठीक कह रहा है। यार उसका जौक बहुत आला है। ये तो इसलिए कह रहा है कि उसने तुझे पसंद किया। Oh my God. हुमा ये दूध पी लो। I love you, अम्मी। मुझे इतनी खुशी है कि आज आपने मेरी साइड ली, वरना अब्बू ने दादी जी कहीं का नहीं छोड़ा था। सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास?
कंपनी ने दिलाया है। ये 25-30 हजार का मोबाइल कंपनी ने तुम्हें दिया, क्यों? 25-30 हजार? इसमें दांत निकालने वाली कोई बात नहीं है, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। अम्मी ये फोन पूरे 1 लाख का है। 1 लाख का? सबसे पहले जाके वापस करके आओ ये फोन। मुझे तुम्हारे अब्बा के खदशात ठीक लगने लगे हैं। कौन से खदशात? हुमा बगैर मकसद के कोई किसी को 10 रुपये नहीं देता और कंपनी वालों ने तुम्हें 1 लाख का फोन दे दिया, क्यों? अम्मी कंपनी ने भी मकसद के लिए ही दिया है। अब समझो तुम्हारा इस घर से निकलना बंद। अब मैं भी तुम्हारी साइड नहीं लूंगी। अम्मी पता है एक अनजाना सा खौफ होता है गरीब लोगों के दिलों में। अगर अब्बू की सैलरी रातों रात 1 लाख हो जाए वो तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। खुशी से नहीं, खौफ से। इस मोबाइल को देख के मुझे हार्ट अटैक होने वाला हो रहा है। अम्मी जी घर में कोई ऐसी चीज तो रहने दें कि चोर के आने का खौफ हो। तो तुम हो ना हमारे घर में ऐसी चीज जिसके चोरी होने का हर वक्त धड़का लगा रहता है हमें। अम्मी जी मैं कोई चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ इंसान, और खुदा के लिए मुझे इंसान होने का हक तो दीजिए। तो फिर काम भी इंसानों वाले करो, इंसान बनो। अगर तुम्हारे बाप ने ये मोबाइल देख लिया ना, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। कोई खास मीटिंग है आज? नहीं, क्यों? वैसे मैं नोट कर रही हूँ आप जब से लंदन से आए ना अपनी ड्रेसिंग में कुछ खास एफर्ट कर रहे हैं। बेबी मैं लंदन जिस इंटरनेशनल डिजाइनर से डील फाइनल करने गया था ना उसने मुझे कहा आप अपनी लुक चेंज कर लें। सो आई सेड व्हाई नॉट, उसने मेरी लुक चेंज कर दी ना। आई लाइक्ड इट। क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई? तो सब मेरे लिए। तो और किसके लिए? तुम मुझ पर शक कर रही हो हैं? मत करो, तुम्हें सूट नहीं करता। ये बताएं आलियान से बात हुई आपकी? हाँ मेरी बात हुई है उससे, लेकिन मैंने उसको फोर्स नहीं किया ऑफिस ज्वाइन करने में। क्यों? भाई वो मामू का एक और एहसान लेना नहीं चाहता मेरे ख्याल में। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? आपने समझाया नहीं उसे? नहीं मैंने उसको कहा कि वो कहीं भी काम करना चाहता है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको उसकी जरूरत है और फिर फरियाद। यार वो एक यंग लड़का है, वो कहीं और जाके काम करना चाहते तो करे, किसी और के लिए काम करेगा तो एहसास होगा उसको कि किसी के लिए काम करना कितना मुश्किल है। वापस आ जाएगा खुद। और अगर ना आया तो? नहीं ना आया तो अल्लाह मालिक है, मैं पापा से बात कर लूंगा कि इसको ज्यादा प्रेशराइज ना करे। तो वैसे तुम्हें फरियाल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था इसमें। वैसे अच्छा ही हुआ कि बात डिले हो गई, क्योंकि फरियाल से बात करने के बाद मैं खुद कंफ्यूज थी इस रिश्ते को लेकर। Confused, क्यों? वो फरियाल आलियान से शादी नहीं करना चाहती। क्या? क्यों? ये तुम्हें उसने कहा है या तुम्हें फील हुआ है? उसने कहा है। तुमने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहती, मुझे लगा कि वो नर्वस हो रही है और उसका फैसला है उसने कर लिया है। नहीं नहीं उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई लड़ाई हुई होगी उनकी। भाई आई डोंट थिंक सो। मैं करता हूं उससे बात। शमशेद ये मुझे तुम कहां ले आए हो? अमी फरियाल है। फरियाल ये मेरी माँ है, ये मेरा घर है।
मैंने अपना आर्ट किसी बड़े स्कूल से नहीं सीखा, बल्कि अपनी माँ को मिट्टी के खिलौने बनाते हुए देखकर सीखा। मेरी माँ तो बहुत चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बनूं, कोई बड़ा अफसर बनूं, लेकिन मेरे आर्ट ने मेरी माँ की बातों पर ध्यान देने ही नहीं दिया। बाप का साया तो बचपन में ही उड़ गया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। छोटी छोटी मुलाजमतें की सिर्फ ये सोच के कि मैं बड़ा होके किसी काबिल बन जाऊं। तो मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था वो उसे इस बात की इजाजत नहीं दी। अगर मुझे यूं ही अपने फन से इश्क सा हो गया। फरियाद में कसम खाकर जाता, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये तो बस इतना जल्दी और अचानक हुआ कि मैं रोक नहीं पाया। मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गलती थी कि मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो। इसीलिए मैंने अपनी असलियत छुपाई और तुमसे झूठ बोला। फरियाल, चाय गिर जाएगी। ये देखें, ये सब कुछ मैं लाई हूँ बेकरी से। अच्छा ये मत पूछिएगा कि कहाँ से लाई हूँ, सही है? अच्छा खाने के लिए लेकर आई हूँ, तो अब ये जरूरत भी नहीं रही कि आप मुझसे ये पूछें कि क्यों लाई हूँ। अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं बोलूँ? नहीं, आज क्या ही बात हो अगर हम कुछ ना बोले। बड़ी फैमिली, बड़ी लिखी डिसेंट फैमिली की तरह ये सब कुछ मेल बैठ कर खाएं, ठीक है? मैं ना घर के हालात पर तंज करती हूँ, ना आप लोग मेरी जॉब रिश्ते के बारे में बात करें। वो लोग आए थे, इंतजार कर करके चले गए तुम्हारा। अब उसे पूछो हम ऐसा चाय पियेंगे। हुमा तुम मेरी बात सुन रही हो? अम्मा ये खाए पिज्जा, बहुत मजे का है। लड़का दुबई में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? अबू ने मुझे उम्र भर कैद करने की जो कसम खाई हुई है वो पूरी कर ली। सिक्योरिटी गार्ड से बेहार है मुझे? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम खुद किसी बिजनेस के मालिक। हंसना किसी पर तब बनता है जब इंसान खुद किसी का दिल हो। तो अम्मी क्या आपको ये लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी पोजीशन पे रहूंगी, मास्टर इजाज साहब की तरह? नहीं, मेरी मंजिल बहुत आगे है, बहुत ऊपर। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, सीढ़ी का पहला कदम। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए वक्त लगता है, पर अगर तेजी से चढ़ोगी तो मुंह के बल गिरोगे। और ये बकवास अपने अब्बा के सामने मत करना, पूछे तो हाँ कर दे। तो आप लोग हाँ कर देते, मुझे इन्वॉल्व भी क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम इनकार कर देती और हमारी रही सही इज्जत खाक में मिल जाती। हाँ, मिडिल क्लास सादतमंद बेटियों के पास इनकार करने का हक कहाँ होता है अम्मा? तुम्हारे अब्बा अपनी जुबान से कभी नहीं फिरेंगे हुमा, ये बात याद रखना। ना फिरें, जहेज में जिंदगी भर की महरूमियां और ससुरालियों के ताने बर्दाश्त करना ही तो हमारा मुकद्दर होता है। मैं भी कर लूंगी बर्दाश्त। तो मैं तुम्हारे अब्बा से कहती हूँ उन लोगों को हाँ करते हैं। अब अम्मी, अच्छा पिज्जा तो खा ले। तुम? हाँ मैं। आलियान अंदर आने का नहीं कहोगे? खाला घर में नहीं है क्या? वो किसी काम से बाहर गई हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे कुछ ऐसी बातें करनी थी जो उनके सामने करना मुनासिब नहीं होती। क्यों आई हो तुम? तुम्हारा घर है, बैठने के लिए मैं तुम्हें कहूंगी? हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो?
कभी मुस्कुरा भी दिया करो। कैसे हो, ठीक हो? तुम्हें पता है मेरी जॉब हो गई है। तो मुबारकबाद नहीं दोगी तुम मुझे? दूंगी दूंगी, बिल्कुल दूंगी, लेकिन तब जब कोई बड़ा काम करोगे। किसी का मुलाजिम बन जाना या नौकर बनना मुबारक कैसे हो सकता है? तुम ऐसी बातें कैसे कर लेती? चलो ऐसी नहीं तो वैसी बातें कर लेते हैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा रिश्ता लेके फरियाल के घर गई, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी और फरियाल की शादी हो जाएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी शादी पे तुम खुश कैसे हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, जब मैं तुम्हें बाइक के बजाय बड़ी सी चमकती हुई गाड़ी में देखूंगी तो। झूठी हैं तुम्हारी सारी बातें। एक बात कहूं, किस कदर खुदगर्ज हो गई हो तुम हुमा। इसमें मेरी क्या खुदगर्जी है? तुम मुझे अपनी दोस्त के साथ मुनाफकत करने का कह रही हो, ये खुदगर्जी नहीं है तो और क्या है? ठीक है, मत करो फरियाल से शादी, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा अमीर लड़की से शादी कर लो। एक काम करते कि मैं तुम्हारी लड़की ढूंढती हूँ, लोगों के पास हमारी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा दौलत। दौलत 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 हुमा, दौलत सब कुछ नहीं होती है। जिसके पास नहीं होती वही ऐसा सोचते हैं। तुम एक दिन बहुत पछताओगी। पछतावे गरीबों का मुकद्दर होता है। इंशाल्लाह, मैं इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं? मेरी बात समझने की कोशिश करो आलियान। जब दौलत पास होती है ना तो महबूब समेत सब कुछ बेमायने होकर रह जाता है। ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती, जब महबूब साथ होता है तो दौलत ऐशो इशरत सब कुछ फजूल हो जाती है। कब समझोगे? अगर फरियाल को दिल से कबूल नहीं कर सकते तो अपनी अम्मी को मना कर दो। तुम मेरे अलावा किसी और को कबूल कर लोगी? बोलो। वो सवाल नहीं पूछते जिसका जवाब दिल दुखाने वाला हो। तो फिर क्यों आई हो तुम यहां पे? क्योंकि क्योंकि फरियाल तुमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, ऑकवर्ड फील कर रही है। तुम अपना और उसका दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर उसे शादी नहीं कर सकते डायरेक्टली उसको बता दो, वो परेशान हो रही है और उसकी वजह से उसके घर में मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसाइल मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, गड़बड़ कर दिया सब कुछ। मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया आलियान। तुम और फरियाल तुम दोनों एक जैसे हो। जो हासिल करना चाहते वो मिला नहीं तो हार मानकर रोने बैठ गए, मगर मैं ऐसी नहीं। कुछ भी हो जाए मैं अपने टारगेट से कहीं और नहीं देखती। माना तुम बहुत समझदार हो, बहुत अकलमंद हो, बहुत फोकस्ड हो हुमा, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी और फरियाल की शादी हो जाए। हाँ हाँ पड़ेगा फर्क, थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन तब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी। तुमने कब तक मातम मनाओगे उसका? झूठ का अंजाम यही होता है। मगर मेरी मोहब्बत का अंजाम नहीं होना चाहिए। कौन सी मोहब्बत? जो उसे खींचकर मेरे घर तक ले आई थी। हाँ, और तुम्हारा घर और तुम्हारी माँ को देखकर उसकी मोहब्बत के गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। उसने तो तुमसे लड़ाई झगड़ा करना तक मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारी हकीकत देखी और अपना एक अल्फाज जाया किए बगैर तुमसे मुंह फेर के चली गई। मगर मैं अब उससे मुंह नहीं फेर सकता। तो खूब सोग मनाओ अपने ठुकराए जाने का। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़के। तुम्हें जो करना है ना वो करो, लेकिन अभी उठो दुकान जाओ, कहीं ऐसा ना हो नौकरी भी चली जाए। जब वो चली गई तो फिर
नौकरी में चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो मजनू की औलाद, ये मोहब्बतों का वक्त नहीं है, इस जिंदगी की दौड़ में मशीन की तरह काम करने का जमाना है। घर में आटा चीनी चावल कुछ भी नहीं है, वापसी में ले आना, समझे तुम? मामा बात सुने, पापा से बात हुई है आपकी? हाँ हुई थी, बता दिया उन्हें कि तुम आलियान से शादी नहीं करना चाहती। फिर? वो कह रहे हैं कि मैं फरियाल से खुद बात करूंगा। मगर उनका रिएक्शन कैसा था? वो समझ रहे हैं कि तुम्हारा और आलियान का छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, सेटल हो जाएगा। आपने उन्हें असल बात क्यों नहीं बताई? असल बात? असल बात क्या है? कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो गए, और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मैं उस वक्त तक किसी से शादी नहीं करना चाहती। क्या हुआ है फरियाल, बताओ मुझे, कुछ तो हुआ है, कहीं तुम उस दिन गाड़ी में कौन था? फॉर गॉड सेक मम्मा, गलती कर दी आपको एक बात बताकर, अब तो वाकई में शक करना शुरू हो गई है। कोई भी हो सकती है, कोई कुलीग होगी जैसे ड्रॉप कर रहे होंगे पापा। आप भी ना, आप एक्चुअल प्रॉब्लम पर फोकस करें, पापा से बात करें और उन्हें असल बात बताएं। जा रही हूँ बताने। कहाँ जा रही हैं? उनके ऑफिस। मामा घर की बात ऑफिस में? कौन सी बात कहाँ करनी है, कब करनी है, तुमसे बेहतर जानती हूँ। मामा लेकिन आपकी वजह से पापा मुझ पर गुस्सा होंगे। नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आई नो आई एम लेट, आई एम सो सॉरी सर। आप तो जानते हैं ना कि मैं बस से आती हूँ, बस की कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होती हैं। तुम लेट हो सर, कराची का ट्रैफिक बहुत बुरा होता है, शायद आप जानते नहीं हैं। अच्छा कल से ऑफिस की गाड़ी तुम्हें पिक किया करेगी और वापसी पे मैं छोड़ दिया करूंगा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा तुम्हारा कमरा अरेंज हो गया जहाँ तुमने बैठना है, उसको जाके देख लो, अगर किसी चीज की कमी हो मुझे बता देना। ब्लैक कलर में बहुत अच्छा लगता है। तुम पे भी एक कपड़े सूट कर रहे। ये मुझे फरियाल ने गिफ्ट किया है, मेरे पास एक ही नंगा जोड़ा तो है। लेकिन तुम्हारी जॉब की डिमांड है फैशनेबल कपड़े, मोबाइल फोन। बिल्कुल, पहली सैलरी जब आएगी सबसे पहला काम यही करूंगी। अच्छा फिर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं तुम्हें कपड़े ले देता हूँ और पैसे तुम्हारी सैलरी से काट दूंगा। सर थैंक यू, आप इतने अच्छे क्यों हैं? अच्छा मैं अपना रूम देख के आई। थैंक यू वंस अगेन। इंतजार कर लेते ना तो मैडम। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब कमरे में?
अभी अभी मीटिंग के लिए बाहर निकले हैं। कोई खास मीटिंग? जी वो बाहर से कुछ लोग आए हुए थे तो उनके साथ मीटिंग है। कुछ बताकर गए हैं कब तक आएंगे? जी नहीं मैडम, मुझे क्या बताकर जाएंगे, लेकिन जल्दी आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं वेट कर लेती हूँ, आप मेरे लिए कॉफी भिजवा दें। जी। मतलब आपको पसंद नहीं है सर? मैं जो जो चीज पसंद करती हूँ आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इसे क्या जाहिर होता है? यही कि आपकी पसंद बहुत मुश्किल है। मेरी पसंद मुख्तलिफ। ये देखो, ये कैसी? ब्यूटीफुल, तो बहुत प्यारा है। वैसे सर एक बात है, क्या आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी? मेरी पसंद बहुत अच्छी है। अच्छा तुम्हारे लिए शॉपिंग और करनी है, शूज, हैंडबैग और परफ्यूम। हाँ सर वो सब कुछ तो सही है, लेकिन एक छोटी सी मुश्किल है। क्या? यही कि मेरे घर वाले इतनी महंगी चीजें देके बहुत एतराज करेंगे। अगर तुमने मेरे ऑफिस में काम करना तो यू हैव टू लुक प्रेजेंट, बट आई एम सॉरी। सर आई कैन हैंडल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। आंटी हुमा कहाँ है? बेटा हुमा तो घर पर नहीं है, आओ तुम बैठो। असल में आंटी मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही, फिर मुझे याद आया कि उसका फोन खराब है ना। बेटा उसका फोन तो ठीक है, जॉब पर गई हुई है। आंटी मगर उसने तो कहा था कि सैटरडेज ऑफ होते हैं उसके। क्या ये लड़की पता नहीं क्या करती फिर रही है। आंटी कोई कंफ्यूजन हो गई होगी, आपको उसका जॉब करना बुरा लगता है क्या? नहीं बेटा मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके अब्बा को एतराज है। मगर क्यों आंटी, वो अपना फ्यूचर बना रही है। तो बेटा तुम ही समझाओ ना उसे, जिस तरह इंसानों की शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती उसी तरह नसीब भी नहीं मिलते। लेकिन आंटी वो नसीब पर भी तो यकीन नहीं करती ना। मेरी समझ में नहीं आता वो तुम जैसी क्यों बनना चाहती है। ये सवाल तुम मुझसे नहीं, मुझसे पूछो। मास्टर साहब हम तो यूं ही बात कर रहे थे। मगर ये यूं ही नहीं, मेरी बेटी हुमा को उसकी महरूमियों का एहसास दिलाने इस घर में आती है। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे धोखे में नहीं रख सकती। अंकल ये सब आपका खौफ है, हुमा ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऐसी ही बात है, और याद रखना अगर हुमा ने कोई गलत कदम उठाया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मास्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, झगड़ा आप बाप बेटी का है, फरियाल को क्यों दरमियान में घसीट रहे हैं? अंकल मेरी बात समझने की कोशिश करें, हर इंसान को अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात पूरा करने का हक है। कौन सी जरूरियात, कौन सी ख्वाहिशात? वो जरूरियात जो आप पूरी नहीं कर सके। अगर ये इसकी दोस्त ना होती तो हमारी बेटी अपनी औकात में रहकर अपने ख्वाब देखती। मास्टर साहब जो बचपन में आप ख्वाब देखते थे आजकल के बच्चे वो ख्वाब नहीं देखते। कि तो फरियाल की मेहरबानी है कि इस गरीब खाने में अपनी दोस्त से मिलने आ जाती है। चुप करो, तुम जाओ यहाँ से, और इससे कह दो आइंदा इस घर में कदम ना रखे। जाओ निकलो यहाँ से। गाड़ी में उनके साथ कोई लड़की बैठी हुई थी, मैंने देखा नहीं कौन थी। मैंने उन्हें फॉलो करने की कोशिश भी की थी लेकिन सिग्नल पे मेरी गाड़ी रुक गई और वो आगे निकल गए। आइए। जी मैडम। आपके साहब की मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? मैडम हो सकता है दोपहर का खाना भी वहीं खाया हो। फोन भी बंद कर रखा है। जी वो मीटिंग की वजह से बंद किया होगा।
कल साहब मॉल गए थे, किसके साथ गए थे? कल तो साहब सारा दिन ऑफिस में ही थे, बहुत मसरूफ दिन गुजारा है। एक पार्टी के साथ मीटिंग थी और वो भी यहीं हुई थी। कॉफी अच्छी बनाते हैं। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। अरे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, और मुझे वो सारी चीजें चुभती हैं जो इंसान को डिग्रेड करती हैं। तुम में खुदादाद सलाहियतें हैं, इसलिए मैंने तुम्हें हायर किया। बिल्कुल जानती हूँ सर, और मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा करने की कोशिश करूंगी। ख्वातीन बहुत हार्ड वर्किंग होती है। हाँ, और इसी वजह से मर्द हमसे जलते भी बहुत है। बात जेलसी की नहीं है, मर्द कंट्रोल फ्रीक होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके हाथ में जो ग्रिप है वो उसको लूज करे। लेकिन दुनिया भर में औरतों ने मनवा लिया है कि वो मर्दों से कम नहीं है। ये बात तस्लीम करता हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया। एहसान नहीं है तुमको सर, आपका तरीके कार निहायत ही नफीस है। जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए उसमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। कॉफी कहाँ पीनी है? ऑफिस में। ऑफिस में कॉफी अच्छी नहीं बनती सर, मेरे हाथ की कॉफी पी के देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा चलो ठीक है, ऑफिस में पी लेते। महरमा वे महरमा तेरे इश्क ने गुमराह किया।